तो आ गए हम लोग घूम के और अभी हम दी के घर पहुंचने वाले हैं। सो गाइज हम लोग घूम के आ गए हैं और बहुत ज्यादा थक भी गए हैं क्योंकि सुबह से निकले हैं हम, 11:30 से निकले हुए हैं और अभी 6 बजने को आ गई है, मतलब 6 बज ही गई है। सो जस्ट अभी हम दी के घर पे आ गए हैं और थोड़ी देर में शायद से जीजू अभी ऑफिस गए हुए हैं और थोड़ी देर में शायद से हम लोग कहीं और जाएंगे। और आज पूरा दिन हमारा टूर रहा, कहीं मंदिरों में गए, उसके बाद हम कहीं घूमने गए। सो ब्लॉग बना रही ना, बहुत उजाला है। सो अभी हम जस्ट यहाँ पे आए क्योंकि दीदी भी अपने बच्चों को भी लेके जा रही है। अभी अभी तो हम 4 जने गए थे, मैं जीजू दी और ये गए थे, तो अभी उनके बच्चे भी चलेंगे हमारे साथ घूमने कहीं, तो जिसके लिए हम थोड़ी देर में जाएंगे। और आज जीजू ने छुट्टी की थी हमारे, तो जीजू को ऑफिस जाना, मतलब काम तो कुछ पड़ गया था, इस वजह से अभी ऑफिस में है, तो वो आएंगे, मे बी 7 बजे तक आएंगे, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं और शायद घूमने, तो वो भी मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में दिखाती रहूंगी, तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो अभी हम थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, चाय पानी पीते हैं, ठंड यहाँ पे हो गई है, पूरा दिन तो यहाँ पे गर्मी थी बट अभी ठंड हो गई है, तो सीधा मिलती हूँ मैं आपको जहाँ हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। ओके सब तो चुप हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ ले ली, मेरे पास ही थी पर्स में। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, पैसिफिक मॉल है यहाँ पे, देहरादून में काफ़ी जाना माना मॉल, तो वहाँ पे जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, मैं हूँ, ये हैं और ये दी लोग हैं, दी मेरी भाभी लोग हैं, और जो ये एरिया है ये मेरे दी के घर के जस्ट पास में, मतलब पीछे वाली गली है इनकी, यहीं से होके ये लोग जाते हैं। गाड़ी हमारी थोड़ी आगे पार्क है तो वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, बाकी यहाँ पर सारे मतलब दी लोगों को ज़रूरत नहीं होती है कहीं बाहर जाने की, यहाँ पे उनको सारी चीज़ मिल जाती है, वेजिटेबल हो, चाहे सब्जी हो, फ्रूट्स हो या फिर राशन पानी हो, सब यहाँ पे मतलब सब चीज़ की दुकान यहाँ पे है, शॉप है कपड़े वगैरह। तो चलो अभी चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं पहले, फिर उसके बाद सीधा आपको दिखाऊंगी। स्टार्ट कर दिया, बना के आ रही हूँ मैं, तो सुबह से ही बना रही हूँ, अभी भी बना ली मैंने। अच्छा चलो थोड़ा मॉल में, वहाँ मेरा एक फ्रेंड भी है, उसको
दिखाई दिया है दीन के साथ, तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे है कैसा ये मॉल है। वैसे तो सेम गुड़गांव मतलब जैसा होता ही वैसा ही है, बट मैं दिखाती हूँ। ये लोग मेरे को बोलेंगे तो नहीं ऐसा भी देख रही हैं, कहीं बोलेंगे अलाउड नहीं है। अलाउड तो क्यों नहीं होता, सभी जगह अलाउड है यहाँ। हमारी बेटी रानी हेलो कर दो, दूसरी बेटी हमारी ये है हाय बोलो, और तीसरी बेटी हमारी वो है छोटी सी सारा हाय। ये भाभी हैं, ये दीदी हैं। वो आगे हमारे जीजा जी और हमारे हस्बैंड जी। मास्क निकालिए खरीदारी कर रहे हैं, पीछे देख सकते हैं आप लोग। हमने भी थोड़ी बहुत कर ली है, कुछ ड्रेस ले लिया है मैंने अपने लिए जो कि आपको दिखाऊंगी मैं। बाकी चलो अब चलते हैं घर, ये कुछ खाएंगे पियेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे ब्लॉग में। मेरी ईयर रिंग नहीं दिख रही है। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, कल जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग काफ़ी जगह घूमने गए, उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग मतलब रात तक को मैंने की थी। हम गए थे मॉल में, जीजू हमें जबरदस्ती मॉल में ले गए। वैसे तो मॉल में मैं जाती रहती हूँ, बट फिर जीजू ने कहा कि नहीं चलो यहाँ का मॉल मतलब घुमा लेती हूँ। मॉल तो सेम ही होता है गाइज, बट घुमा लेती हूँ। तो मैं जीजू के साथ गई थी, हम सभी गए थे, जीजू दीदी मैं ये बच्चे लोग हम सब गए थे मॉल में। और वहाँ पे थोड़ी सी मतलब मैंने आपको दिखाया था मॉल वहाँ का, इस ये यहाँ का देहरादून का सबसे फेमस मॉल है, तो वहाँ पे मैं चले गई थी। मतलब काफ़ी बड़ा मॉल है तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद रात को आते आते हमें 11:30 हो गई, फिर मेरे को ब्लॉगिंग मैं मतलब कर ही नहीं पाई। और फिर मुझे जस्ट अभी याद आया कि यार मैंने तो कल ब्लॉग बनाया था और उसका एंड ही मैंने नहीं किया, तो मुझे लगा कि अब ब्लॉग का एंड कर देना चाहिए। सो गाइस, कल का पूरा दिन मेरा घूमने का रहा। और आज है, आज जो डेट है वो है शायद 10 फरवरी, और आज हम डी के घर से निकल जाएंगे मतलब हम यहाँ से 2:30 बजे दोपहर के टाइम पे निकल जाएंगे। और हमें फिर वही जाना है, मोखमपुर जाना है इनकी मौसी के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरे देवर हैं, तो वहाँ पे आज हम रुकेंगे। और कल हम वहाँ से निकल के कल हम वहाँ से निकलेंगे और कल हम घूमेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार में, जिसकी वीडियोज़ भी आप लोगों को आगे मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो बस
उसके बाद ये लोग चले जाएंगे गुड़गांव और मैं चले जाऊंगा अपने गांव। बस इतना ऐसा ही, मतलब हमने अपना एक वैकेशन बनाया था कि भाई इतना घूमना ही घूमना है हमें। तो देहरादून तो हम पूरा घूम चुके हैं और आज हम यहाँ से निकल जाएंगे दी के घर से। सो वैसे भी मैं दी के घर में 6 साल, मतलब 6 कहाँ, मैं पहले भी नहीं आई हूँ बट शादी को मेरे 6 साल हो गए। तो 6 साल बाद पहली बार, मतलब शादी के बाद पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ। वैसे मैं पहले आई थी बट दी के घर पे नहीं आई थी, पहले देहरादून तो आई थी बट दी के घर पे नहीं आई थी। तो इस वजह से दी तो जबरदस्ती कर रही है कि रुक जाओ बट गाइस नहीं हो पाता है। मेरे को भी मतलब घर भी जाना है, इन लोगों को भी जाना है, तो इस वजह से मैं नहीं रुक पा रही हूँ। और दी को सामने तो मैं नहीं बोल पाई बट दी मेरा ब्लॉग, अभी मैं दी को बोलूँगी तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मतलब हो जाता है ना। तो अभी मैं इस ब्लॉग के थ्रू उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि मैं इस वजह से नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि दी सिचुएशन होती है हर किसी की। सो बस गाइस, कल का मेरा पूरा दिन घूमने करा और आज मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना, यहाँ पे और चीज़ हो ना हो बट यहाँ पे जो धूप है ना गाइस, ये देखो धूप यहाँ पे 6 बजे निकल जाती, 6:30 बजे निकल जाती है यहाँ पे धूप देहरादून में। जहाँ भी मैं रही हूँ, मोखमपुर रही हूँ चाहे यहाँ आई हूँ, जहाँ भी मैं रही हूँ देहरादून में, सब जगह धूप बहुत मतलब जल्दी आ जाती है और काफ़ी यहाँ पे धूप ना अच्छा लगता है। सो चलो अभी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोग को अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद से मैं कहीं पे जाऊँगी, यहीं ये देखो यहीं ये पेड़ों के पीछे यहाँ पे शायद से गुरुद्वारा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तो मे बी मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ का ब्लॉग भी बनाऊँगी बट कोई फिक्स नहीं है। मैं जा भी सकती हूँ नहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो चलो अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ गाइज़ आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।